पाकिस्तान दिया ओ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दी नौजवान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 14 अगस्त, आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। ब्लॉग 12 है आज और आज 14 अगस्त है। देखते हैं आज क्या क्या होता है और कुछ मज़ा नहीं आ रहा ना, चलो मज़ा करते हैं। कंप्लीट हो चुके हैं पाकिस्तान को आजाद होते हुए, तो अगेन मेरी तरफ से आप सबको जश्न आजादी मुबारक। और आपको पता है कि आज के दिन क्या क्या होता है, तो जी मुहर्रम हराम की वजह से जो है थोड़ा इस मरतबा कम मतलब हो रहा है जश्न आजादी, क्योंकि मुहर्रम हराम का एहतराम रखना है, सो उस वजह से फिर भी आज थोड़ा बहुत होगा। जैसे कराची में सीवी है वैसे हमारे आन मंत्र होता है, उसका एक कुछ डुप्लीकेट टाइप, तो वहाँ में रश होती है, वहाँ भी हम आपको ले चलेंगे, क्योंकि हैदराबाद अभी मुझे जाना है तो वहीं से रास्ता जाता है, तो वहाँ का भी शेयर आपको कराएंगे हम। इसी दिन पे लोगों का जो कि खुरूज उरूज पे होता है और बहुत खुश होते हैं लोग, क्योंकि इसी दिन हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, और उसी खुशी में लोग खुश होते हैं, मज़ार कायद पे जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, खुशी मनाते हैं। लेकिन एक बात है कि आपको फायरिंग से गुरेज करनी और ऐसी चीज़ों से गुरेज करें जो माहौल को ख़राब करती है। ये जो आजकल के हमारे यंगस्टर जो बाइकों पे जाते हैं, वन व्हीलिंग और साइलेंसर निकाल कर, ये चीज़ें बराए मेहरबानी करके ना करें। तो इस वक्त चलते हैं हैदराबाद, उसके बाद वापस आते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है आज का, देखते हैं आज कैसे सेलिब्रेशन होती है। हर साल सेलिब्रेट किया जाता है जश्न आज़ादी को, तो देखते हैं आज क्या क्या होता है और कनेक्टर है हमारे साथ। तो जी चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं, कनेक्टर है हमारे साथ और अभी हम जा रहे हैं कहीं पे, आइए और हमारे साथ कनेक्ट रहिए। दरियाए सिंध, यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है 14 अगस्त को। मौसम बहुत प्यारा चल रहा है यहाँ पे और आइए हम आपको दिखाते हैं मौसम आपको दिखाते हैं कितना अच्छा है। इतने बड़े जीवन सागर में इतने बड़े भी। तो गाइस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है 14 अगस्त, जश्न आजादी मुबारक। तो आइए, रश भी है लेकिन उस साइड मैं नहीं गया हूँ और क्योंकि मुझे जाना है हैदराबाद किसी काम से। बस छोटी सी क्लिप यानी कि छोटा सा एक आपको मैंने वो दिखा दिया है कि क्या होता है यहाँ पे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं घर और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो खराब दिनों बारिश हो रही है इस वक्त, और मैं अब दिखा नहीं सकता, मतलब आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ और ऊपर में जा नहीं सकता, बहुत तेज हो रही, बहुत तेज, मतलब बहुत तेज। तो जी आज 14 अगस्त आपको जैसे पता है और अभी पता है बारिश चल रही है, मतलब बहुत तेज चल रही है और दिखाता हूँ मैं, बहुत बारिश दिखा दी मैंने ब्लॉग में। लेकिन एक दिन सारी
कुछ वक्त थोड़ा करते हैं रेस्ट, क्योंकि थक चुके हैं बहुत। तो रेस्ट करके मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, और देखते हैं आज कोई प्रोग्राम बनता है या नहीं। बारिश भी तेज चल रही है बाहर, और बारिश का मतलब मैं थोड़ा सा शॉर्ट शायद डालूं, क्योंकि बहुत सारी बारिश दिखा देता हूँ हर ब्लॉग में, बारिश बारिश बारिश। तो मैं ये साइड पे भी बैठा हूँ, बीच में बैठा हूँ ना। हाँ, तो बारिश हो रही है इस वक्त बहुत, क्योंकि सुबह बारिश हुई थी, शाम हुई थी, अभी भी बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज। तो शायद शायद बाहर निकलना ना हो। उम्मीद है कि आप जश्न आज़ादी की खुशियाँ मना रहे होंगे अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने शहरों में, कहीं घूमने गए होंगे, कहीं इंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। तो ऐसी अपनी खुशियाँ बनाए रखें और पाकिस्तान को दुआएं करते रहें। जी, मुझे एक बात करनी थी आपसे कि जो लोग होते हैं 14 अगस्त पे झंडे लगाते हैं, मतलब 13 अगस्त पे झंडे लगाते हैं, और 15 अगस्त पे वो झंडे कहाँ पड़े होते हैं आपको पता है? झंडे या झंडियाँ लगाते हैं बंदे, तो मैं ये नहीं कहता नहीं लगाओ, लगाओ, लेकिन आप उनकी हिफाजत भी करो, जैसे आप लगा रहे हैं वैसे ही हिफाजत करें। झंडे लगाएं 14 अगस्त पे, 13 अगस्त पे लगाएं, लेकिन उनकी हिफाजत करें। आपको पता है कि कितना मतलब हो जाता है, वो कहाँ कहाँ पड़े होते हैं, वीडियोज़ आपको पता है कि हर साल आती है। तो बराए मेहरबानी झंडे लगाएं, झंडियाँ लगाएं, तो उनकी हिफाजत भी करें। अगर गिर जाते हैं तो उठा के किसी सही जगह पर रखें, और वो कहाँ कहाँ पड़े होते हैं झंडे और झंडियाँ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो यहाँ भी मज़ा नहीं आ रहा ना, वहाँ पे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें। और पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। शाल लतीफ से बरकत पा।